नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबर अभी तक। और खबर अभी तक में इस वक्त वक्त है बड़ी बात का। और आज बड़ी बात में बात करेंगे गठजोड़ का, गठबंधन का। रिश्ते करीब आ रहे हैं, जो रिश्ते थोड़े दूर हुए थे वो एक साथ जुड़ रहे हैं। जहां विचारधाराओं की बात थी वो एक साथ आ रही है। आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन हो चुका है हरियाणा में, तो वहीं अकाली दल और बीजेपी का भी गठबंधन। हालांकि पंजाब में, दिल्ली में वो लड़ते आए हैं साथ साथ, उन्होंने अब हरियाणा में भी अकाली दल बीजेपी का साथ देगा। बाकी बात यह है, एक अपील तमाम जो हमारे पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं कि देखिए वक्त बहुत नाजुक है, वक्त बहुत नाजुक है, इसलिए अपने रिश्ते खराब मत कीजिए, एक दूसरे को ज़्यादा गालियाँ मत दीजिए। पता नहीं कब आपके बड़े बड़े नेता एक साथ आ जाए और फिर आपके लिए बड़ा मसला खड़ा हो जाए। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे आज इसी को लेकर, क्योंकि देश हो या फिर कोई प्रदेश हो, गठबंधनों का सिलसिला चला आ रहा है। और इस गठबंधनों पर, इस तरह के जो गठबंधन हो रहे हैं, इस पर नेता क्या कुछ कहते हैं वो सुनते हैं। तो गठबंधन को लेकर हालांकि कोई भी पार्टी अब ये नहीं कह सकती कि वो अकेले हैं, अकेले लड़ते हैं, अकेले चढ़ते हैं, चलते हैं, सब किसी न किसी के साथ में कहीं ना कहीं पर हैं। देश भर में अगर तमाम स्टेट्स की अगर बात की जाए, राज्यों की बात की जाए, तो वहाँ पर कोई ना कोई किसी न किसी के साथ है। और ये साथ मिलकर चलने की जो एक कोशिश हो रही हैं, ये ठीक भी हैं, अच्छी भी हैं। और ये लोगों को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं को। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो वहाँ BSP और समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन हुआ, तो उनके कार्यकर्ता बहुत दिन तक तो ये सोचते रहे कि एक दूसरे से कैसे नज़रें मिलाएं। हालांकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और JJP में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि नई पार्टी है JJP, अकाली और भाजपा में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, कल को अगर इनेलो और बीजेपी का गठबंधन हो जाता है तो शायद थोड़ी सी दिक्कतें उनके कार्यकर्ताओं के लिए शुरुआत में हो जाएंगी, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा अकाली दल के साथ, और पन्ना प्रमुख सम्मेलन में वो पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने अपनी जीत का मंत्र भी लोकसभा के दौरान दिया, और साथ ही उन्होंने गठबंधन या एक साथ जो अकाली दल के साथ, उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। बात ये है कि हमारी अकाली दल के साथ, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बातचीत चल रही है, बल्कि एक सहज स्वाभाविक हमारा तालमेल जैसे देश के बाकी प्रदेशों में है, पंजाब में जैसे हमारा सीधा सीधा अलायंस ही है, उत्तराखंड में भी है, दिल्ली में भी मिलकर के चल रहे हैं, इसी प्रकार से पिछले वर्षों में हम हरियाणा में भले नहीं चल रहे थे, लेकिन इस बार हमने मन बनाया है कि हम हरियाणा में भी मिलकर चलेंगे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव है, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चलेंगे, ऐसा हमारी आपसे बातचीत हुई है, ताकि जो हमारी जो एक सामाजिक एकता वो भी बनी रहे और राजनीतिक तौर पर भी हम लोग मिल करके कांग्रेस को देश में पूरे में हमने दूर रखना है, तो हम अपने प्रदेश में भी और आसपास के प्रदेशों में भी कांग्रेस को दूर रखें और इस देश में, अपने देश में दोबारा से केंद्र में प्रधानमंत्री इस नाते से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत के साथ देश की सरकार बने। और इसके साथ ही जब आम आदमी पार्टी और JJP का गठबंधन हुआ है, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, हालांकि जींद इलेक्शन में भी ये साथ चुनाव लड़े थे, अब सवाल ये खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी और JJP आने वाले वक्त में हरियाणा की सियासत को, राजनीति को कितना प्रभावित करेंगी, कितना प्रभावशाली ये गठबंधन होगा, ये चुनाव के वक्त पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा 23 मई को लोकसभा का, और उसके बाद क्या ये कंटिन्यू रहेगा, क्या ये बरकरार रहेगा, इसको लेकर तमाम बातचीत दुष्यंत चौटाला जो कि JJP के नेता हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता अनिल मोर ने, क्या कुछ वो कहते हैं वो सुनते हैं। आखिर नाना करते करते जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ आ गए। बात करने के लिए सांसद दुष्यंत चौटाला साहब हमारे साथ मौजूद है। सांसद साहब, पहला यही सवाल है, कई बार हाँ की कई बार ना की, फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को साथ आना पड़ा? देखिए, हाँ ना नहीं थी, बातचीत चल रही थी, और बातचीत के अंदर समय लगता है हर चीज़ को पूरी तौर पर एक निष्कर्ष पर लाने के लिए, और आज मुझे लगता है कि आम और जन दोनों एकजुट हुए हैं और इसी सोच के साथ हुए हैं कि इस प्रदेश से, जिन लोगों ने इस प्रदेश को लूटा और जिस पार्टी ने इस प्रदेश को, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है
उसको तोड़ने का प्रयास किया, दोनों पार्टीज को इस प्रदेश से हम बाहर करें। आपने दोनों पार्टी का जिक्र किया, कहीं आपको ये तो नहीं लगा होगा कि अकेले जेजेपी, अकेले आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती? इन दोनों बड़ी पार्टियों का मुकाबला करने के लिए अलायंस जरूरी है। देखिए, अलायंस जब होते हैं तो बदलाव के लिए होते हैं। बहुजन समाज पार्टी और चौधरी देवीलाल जी जब एकजुट हुए थे 1998 के अंदर, तो एक बदलाव था। लोग सोशल ढांचे की बात किया करते थे, मगर उन दोनों का साथ आना बदलाव लेकर आया। आज बिल्कुल कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए, और आज इस प्रदेश को बचाने के लिए हम दोनों को साथ आना। जो आपका अलायंस हुआ, 3 सीटें आपके हिस्से में आनी है, आप नाम तो नहीं बताएंगे कौन कौन सी सीटें, लेकिन आम आदमी पार्टी 1 सीट जीटी रोड बेल्ट पे, 1 सीट NCR में और 1 सीट जाट बेल्ट पे मांग रही है। देखिए, जो भी सीट डिवीजन होगी उसके लिए कमेटी निर्धारित कर दी गई है, जिसमें 2 सदस्य हमारे हैं, 2 आम आदमी पार्टी के, वो बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। और हम उम्मीद रखते हैं 16 तारीख को या 16 तारीख के आसपास ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम कैंडिडेट्स को हम अनाउंस करें। हिसार, भिवानी, सिरसा, ये सीट तो आप लोगों का पुराना गढ़ रहे हैं, डॉक्टर अजय चौटाला का गढ़ रहे हैं, ये तो आपके पास ही रहेगी? देखिए, जो भी रहेगी, मैं ये मानता हूँ कि नॉर्थ हरियाणा हो, सेंट्रल हरियाणा हो और दक्षिणी हरियाणा हो, हम मिलकर दोनों पार्टीज इसके अंदर पार्टी इसकी सीट की डिवीजन भी करेंगे और एक बदलाव ऐसा लेकर आएंगे जो शायद तस्वीर और तकदीर इस इलाके की बदले। सबसे महत्वपूर्ण हिसार लोकसभा सीट है क्योंकि आप वहाँ से सांसद है, अगर आप वहाँ से चुनाव नहीं लड़ता तो विपक्ष जो दूसरे बड़े दल है वो कहेंगे कि दुष्यंत चौटाला मैदान छोड़कर भाग गए, तो ऐसे में हिसार से आप लड़ेंगे, परिवार का सदस्य लड़ेगा? कोई ये कहता है कि मैं मैदान छोड़कर भाग गया तो मैं फिर यूँ ही 19-19, 20-20 गाँव के दौरे हर रोज कर रहा हूँ। मेरी लोकसभा है, मेरी प्राथमिकता है, मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँ। संगठन की जो सोच होगी, किस उद्देश्य के साथ होगी, वो तो संगठन का निर्णय है। कई बार बड़ी जिम्मेवारियों के लिए कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, मगर आज के दिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो हमारी पार्टी के संरक्षक हैं, पार्टी के तमाम सीनियर नेताओं को ये चीज़ मैंने मेरी ओर से रखी है कि मैं हिसार से चुनाव लड़ने को प्राथमिकता मानता हूँ। चप्पल और झाड़ू लेकर जब आप गाँव जाएंगे, किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे? देखिए, जिन लोगों ने जात पात के कांटे बिछाए हैं और जिन लोगों ने इस देश को लूटने का काम किया है, आज उन कांटों पर चप्पल चलाएगी और झाड़ू सफाई करेगी और इस प्रदेश को नई दिशा और दशा देने का काम करेगी। बिल्कुल, ये थे सांसद साहब, इनका यही कहना है कि नई दिशा और दशा देने का काम ये अलायंस है वो करेगा। कैमरामैन जसपिंदर के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, दिल्ली। तो जो जन है उनको आपने सुना, अब आम जो हैं उनको भी आप सुन लीजिए, फिर ये मिला के हो जाते हैं। आम जन, नवीन जैन क्या कुछ कह रहे हैं हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और जजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बात करने के लिए नवीन जैन हमारे साथ मौजूद। जैन साहब, आम आदमी पार्टी और जेजेपी आप लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो अनाउंसमेंट हो गया 7 और 3 सीटों की, कौन कौन सी सीटें रहेंगी आप लोगों के पास और जेजेपी के पास? सीट तो भाई साहब मिल बैठ के बतला के कर लेंगे सारी चीज़ें, सीटा कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ है कि बीजेपी का खुट्टा पाड़ना है और बीजेपी का खुट्टा पाड़ना जरूरी है, इसलिए हमने कही है कि भाई मेन गठबंधन का मकसद यह है कि बीजेपी जिसने पूरे हरियाणा में सत्यानाश कर दिया, भाईचारा खा गई, जातिवाद फैला दिया, ये कांग्रेस के बस की तो बात है नहीं, हमें पाड़ेंगे। एक साथ आने की नौबत क्यों आई, आपको लगने लगा था क्या बीजेपी जाएगी साथ साथ, नहीं आओगे तो आप लोग? भाई साथ आना इसलिए जरूरी था, देश बचाना जरूरी है, समाज बचाना जरूरी है, कांग्रेस तो बचा नहीं सकती। ये कांग्रेस का तो स्थिति ये हो रही है कि कांग्रेस ही कांग्रेस की सुपारी ले रहे हैं, कांग्रेस ही ले रहे हैं कांग्रेस की सुपारी भाई साहब, तो उन तथा को छोड़ा जाना नहीं, वो बीजेपी ने जिताने का काम से आप लोगों की कोई सेटिंग नहीं हो पाई, सीटों को लेके बातचीत नहीं हो पाई, जेजेपी को भी आपने थोड़ा बहुत कोसा था कि गठबंधन को लेके, अब आखिरकार गठबंधन हो ही गया, कितनी राहसान मान के चल रहे हैं भाई साहब? हरियाणा में जीतेंगे देखियो, बीजेपी का खूटा मारे अलावा किससे नहीं पाट सकता। नवीन जैन कहां से चुनाव लड़ेंगे? वो जीतता पार्टी का गुड़े लड़ लेंगे। ये थे जैन साहब, इनका यही कहना है कि जो आम आदमी पार्टी और जेजेपी मिलकर बीजेपी का खूंटा पाड़ने का काम करेंगे। कैमरामैन जसपिंदर के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, दिल्ली। खूंटा पाड़ना, कौन किसका खूंटा पाड़ेगा, खूंटा उखाड़ेगा, सियासत में चीजें चल रही है। अच्छा, भाषा की अगर बात की जाए तो कोई कुछ भी बोल सकता है, अच्छी बात है, बस गाली गलौच ना हो उसमें। और एक बात और मैं बार बार जो कह रहा हूँ, देखिए बातचीत चल रही थी कांग्रेस के साथ भी, अब नहीं बन पाई तो बात नहीं बन पाई तो वो सारी चीज़ें फिर कमियां नज़र आती हैं, तो इसलिए कार्यकर्ता जो बेचारे एक साथ में रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, वो अपने रिश्ते अच्छे बना कर रखें, क्योंकि पता नहीं रात को आपके पार्टी वाले गठबंधन कर लें, फिर सुबह आपको अचानक से चौंकना पड़ जाए कि रात को तो गाली एक दूसरे को देकर सोए थे, अब सुबह कैसे एक दूसरे से नज़रें मिलाएं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, तमाम खास मेहमान मेरे साथ
साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से भगवत दयाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से पूर्व विधायक नरेश प्रधान जी हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं पार्टी में, जेजेपी से भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ हैं, एलएसपी से दीवान सिंह भाटीवाल जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से अभय सैनी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह जादौन साहब हमारे साथ हैं और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ आनंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं इनेलो से। आप तमाम लोगों का, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में फोन लाइन पर हैं आनंद शर्मा जी, उनसे मैं बात की शुरुआत करता हूँ। आनंद शर्मा जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, सुन रहा हूँ सर। जी आनंद शर्मा जी, अकाली भाजपा का भी गठबंधन हो चुका है हरियाणा में, आपके अच्छे रिश्ते हैं अकालियों के साथ, प्यारे रिश्ते हैं, साथ में चुनाव भी लड़ा है, एक दूसरे के साथ में चलते रहे, तो वहीं आम आदमी और जेजेपी का भी हो चुका है गठबंधन, अकाली और भाजपा के हरियाणा में रिश्तों पर लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, गठबंधन पर क्या कुछ कहेंगे? सर, अकाली भाजपा का एक पारिवारिक और एक बहुत प्रेम पूर्वक रिश्ता रहा है। आज जो मेन बात हम कर रहे हैं कि आप और जो जेजेपी का जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थ का बंधन है। अच्छा। घटिया सोच का गठबंधन है। अच्छा। और मैं घटिया सोच क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मुझे दो तीन पॉइंट आपको बताने होंगे सर। जी, जल्दी से। सबसे पहला पॉइंट तो है कि मुझे लगता है कि जेजेपी वालों का इतना डर बैठ गया हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कि इनको उनके बाहर नहीं आने के कारण इनको आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना पड़ा। अच्छा। कि आम आदमी पार्टी उनको बाहर ना निकाले। नंबर दो बात है, ये वही आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी हैं जिन्होंने पंजाब में जाके ये कहा था कि SOIL का एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं मिलना चाहिए, और वही आम आदमी पार्टी हरियाणा के हित के लिए कह रहे हैं, देश के हित के लिए कह रहे हैं कि हम जजपा से गठबंधन कर रहे हैं, बीजेपी को भगाएंगे, कांग्रेस को भगाएंगे। ये अभी जयंत का बयान सुन रहा था मैं, इन्होंने इनके सुप्रीमो ने केजरीवाल जी ने कांग्रेस के आगे कितना गिड़गिड़ाया, अब वो कह रहे कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है। जब कांग्रेस ने उनको महत्व नहीं दिया क्योंकि इनके दुकान में कोई सामान ही नहीं है। अच्छा। इनका कोई जनाधार ही नहीं है। अच्छा सर, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आपका और भाजपा का भी गठबंधन हो सकता है आने वाले वक्त में। नहीं नहीं सर, अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है। विचार हो सकता है? नहीं, हम 10 की 10 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। चलिए अभी तो लड़ेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अकाली और भाजपा जो आए हैं साथ में, अकाली फिर आगे आप लोगों को कि भाई इनको भी साथ में लीजिए, फिर चुनाव लड़ते हैं विधानसभा के एक साथ। प्लीज मेरे पर, मैंने अपनी बातें पूरी करने का मौका दे दीजिए प्लीज। मैंने आपको मौका दिया, कहिए। हाँ सर, 10 सेकंड और दे दीजिए मुझे। चलिए 10 सेकंड ले लीजिए। एक पॉइंट और है, हमारे जैसे अभी हमारे नौजवान सांसद बोल रहे थे कि हम हरियाणा के इसकी लड़ाई लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, इन्होंने तो हमारे सर छोटू राम तक के इनको गद्दार कह दिया। बड़े सबर शर्म की बात है, हरियाणा की जनता इनको कभी भी माफ नहीं करेगी कि इन्होंने इस तरह से काम किया है, और इनको आपका सहारा लेना पड़ा। ये शायद मुझे लगता है अभी इलेक्शन से पहले डर गए हैं और ये डरने के कारण ये स्वार्थ बंधन कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। भाग सिंह दमदमा जी, आम आदमी का सहारा लेना पड़ा, क्या आम आदमी पार्टी नैया पार लगाएगी हरियाणा में आपकी मतलब जेजेपी की, या फिर जेजेपी आपकी यानी आम आदमी पार्टी की नैया पार लगाएगी? क्या ये आम जन मिलकर या जन आम मिलकर हरियाणा में 10 की 10 सीटों को जीत जाएंगे या किसी का नुकसान करेंगे? नासिर जी, आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो आज गठबंधन हुआ है, ये तो है नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर ये पहला गठबंधन हुआ है कि लोग इस बारे करेंगे कि क्या हालात है। आज देखिए आप, चाहे राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है, ये हर जगह तकरीबन गठबंधन के अंदर 28-29 दलों के साथ पूरे देश के अंदर परिस्थितियों के हिसाब से गठबंधन में लड़ रहे हैं। इन्हें गठबंधन करने के अधिकार हैं। यदि कोई और क्षेत्रीय दल गठबंधन करता है तो उस पर किस चीज का ऐतराज होना चाहिए किसी को? हमारा जो गठबंधन हुआ है आम आदमी, हमने शुरू से कहा कि समान विचारधारा वाले की दर के साथ हमारा गठबंधन होगा, और आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर कांग्रेस का 10 साल पुराना शासन उखाड़ कर फेंक दिया, इनके एक जीरो पर लाकर रख दिए भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक। आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस से गठबंधन के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे थे दिल्ली के अंदर। सुनिए, शुरू में ही कह दिया था, अगर कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हो जाता तो क्या आप इसके हरियाणा में करते? ऐसा है, हमने प्रदेश की बात कही थी। अगर हमारा देखिए दल प्रदेश है, हरियाणा में अभी चुनाव लड़ रहे, अगर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर आती तीसरे दल के साथ, तो हम उस गठबंधन में ना जाते। अच्छा। राष्ट्रीय स्तर पे कहीं के कहीं गठबंधन हो से हमें नहीं, हमने प्रदेश की बात कही थी कि हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, और इस बात पर हमारे सांसद महोदय पूरी पार्टी अंतिम समय तक अड़िग रहे। अभी मैं जरूर बात करना चाहता हूं कि जो INLD के हमारे साथी एक बात जरूर कह रहे थे कि जो SOIL के ऊपर बोला, अरे पूरा प्रदेश के आज खेतों के अंदर जब अकाली दल और INLD का गठबंधन था, इनके आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी सरीखे नेता सरकार को चलाते थे, जब का पानी तो पूरे प्रदेश के अंदर खेतों को लग रहा है। अकाली दल साथ था,
उनसे गठबंधन था जब मतलब ये क्यों होता है राजनीति में कि यार तुम साथ थे तो आपने ऐसा किया तो हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या गलती है? मैं क्या कह रहा हूँ, विचार कहाँ गए फिर? विचार सुनिए, आपका विचार है आम आदमी पार्टी का तो नहीं है, पंजाब के अंदर पानी में हरियाणा हरियाणा के पानी लाने के लिए 100% विचार है। हम इसके लिए जितनी भी लड़ाई होगी चाहे सड़कों पर लड़नी पड़े। क्या आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हरियाणा में आकर ये कह सकते हैं, क्या कहलवा सकते हैं आप कि हम हरियाणा को SYL का पानी दिलाकर रहेंगे? देखिए हमारा जजपा की तरफ से जो बयान दे सकता हूँ कहीं भी खड़े करके वो तो आप देंगे। हम कहेंगे क्या, क्या, क्या अभय को चाहिए? ठीक है अभय सैनी साहब, मैं आऊंगा प्रधान जी, जरा नए नए जो दोस्त बने हैं उनसे बात कर लेते हैं। अभय सैनी साहब, क्या आम आदमी पार्टी के नेता हरियाणा में ठोक बजाकर ये कहेंगे कि SYL का पानी हरियाणा में लाकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए? क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कह सकते हैं जब विचारों की बात है तो फिर एक साथ आइए विचारों में? देखिए हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा समझता है तो मैं कहूंगा कि वो गलती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिए हैं तो सभी को उसका मानना चाहिए ऑर्डर। अगर कोई कहते हैं कि नहीं मैं उसके उल्टा जाऊंगा तो सीधा सीधा वो खिलाफत है। आम आदमी पार्टी ने ये स्टैंड लिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि ये पानी हरियाणा का हिस्से का हरियाणा को मिलना चाहिए तो हम उसके ऑर्डर के साथ खड़े हैं, उसके स्टैंड के साथ हमारा स्टैंड है। और उसके बावजूद कहा जाता है कि हम इसके खिलाफ है तो वो जो कह रहे हैं वो उनकी सोच हो सकती है, केजरीवाल जी ने कहा है, बार बार कहा है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद, तो हम उनके साथ है। अब इस चीज को जिस तरह भी आप लेना चाहे ले सकते हैं, पानी तो हम लेकर आ सकते हैं ये बात हमने कही है क्योंकि ये हमारा वादा है कि जो ऑर्डर आया है उनको हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिल्ली में करके दिखा रहे हैं। एक चीज और, आपके नेता नवीन जैन साहब को कांग्रेस में इतनी सारी कमियां अभी क्यों नजर आई जब गठबंधन दिल्ली में नहीं हुआ, या पहले से कमियां थी कांग्रेस में? देखिए कमियां पहले भी है, कमियां अब भी है। हमारा दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का विचार था वो इसलिए था क्योंकि हमें बीजेपी को सत्ता से आउट करना जरूरी है। अच्छा, क्योंकि बीजेपी के शासन के दौरान जो यहाँ पर हुआ है, जातिवादी फैली है, भ्रष्टाचार में नाम आ रहे हैं उठ के इनके, और भी बहुत सारी चीजें आपसे बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस थोड़ी सी पाक साफ है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही पाक साफ है, लेकिन उनसे फिर भी बेहतर हो सकती है। उन्होंने इनके नाम पे इतना नहीं रखा, उनको सही कर देते कांग्रेस वालों को। प्रधान जी इतनी कमी क्यों है कांग्रेस में, कोई गठबंधन नहीं कर रहा आपसे? नरेश प्रधान जी देखिए, जेजेपी का आम आदमी पार्टी का हो गया, बीजेपी का अकाली का हो गया, इनेलो वालों का भी किसी न किसी से हो जाए, कांग्रेस वाले अकेले चल रहे हैं। एक दिन याद है ना बहुजन समाज पार्टी का, LSP और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था और जनता टीवी पर मैं ही था दिल्ली। अच्छा, याद है ना? हाँ, तो मैं आज फिर बता रहा हूँ। हाँ, कि ये अनैतिक गठबंधन ना पाके राधे। हाँ, आधारहीन गठबंधन, मन मिले ना मिले हाथ मिलाते चलो, सत्ता की भूख में आज ये आधारहीन गठबंधन है। और माननीय साथियों से, मैं पढ़े लिखे आदमी है, मैं उम्मीद कर रहा था कि ये अच्छी बात करेंगे। इनका दोगला चरित्र और दो लाइन इन्होंने कही है, दोगला चरित्र और चेहरा सामने आ गया। मैं ये बताना चाहूंगा कि केजरीवाल को जब पंजाब के अंदर वोटों की जरूरत होती है तो वो ताल ठोक ठोक कर बोलते हैं कि हरियाणा प्रदेश का एक बूंद पानी भी है ही नहीं, पंजाब में हक ही नहीं बनता। और आज जब हरियाणा में वोटों की जरूरत है तो माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय क्या उस, और राहुल गांधी जब पंजाब में जाते तो बोलते नहीं है SYL पर, बोलते हैं पहले इनसे जवाब देना। आप क्यों नहीं, मैं तो पूछूंगा ना, हाँ पूछना ना, पहले मेरी बात पूरी हो जाए तो चार पूछना आप, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय में विचार दीन है, लेकिन मिस्टर केजरीवाल जी पंजाब के अंदर फैसला ही सुना रहे थे कि हरियाणा का हक है ही नहीं, तो हमने सुप्रीम कोर्ट को तो चैलेंज नहीं दिया। मान लिया राहुल जी नहीं बोले होंगे, लेकिन ये तो ताल ठोक रहे थे कि इनका तो ऐसा ही नहीं, तो डिसीजन ही सुना दिया था। और आज मैं बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष है ये, इसका नवीन जैन नाम तो बड़े उच्च दर्जे का है और काम थोथा चढ़ा बाजे का, किस तरह इतना कर बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, पूरे जीवन में आधार और जनाधार होता है राजनीतिक लोगों, क्या आधार है और क्या जनाधार है? पंचायत मेंबर बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपनी पार्टी के, मेंबर बने हैं क्या प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष कोई किसी डैमरेज पार्टी का जिसका कोई आधार ही नहीं, जनाधार दिल्ली में सरकार है, पार्टी को पंचायत मेंबर की बड़ाई है क्या? मनमोहन सिंह जी भी पंचायत में, राहुल गांधी कौन सा पंचायत इलेक्शन जीता ये बता दो, कितने इलेक्शन जीते हैं? सिर्फ छोड़ना चाहिए आपने, और कुछ नहीं किया, बहुत इलेक्शन जीते हैं, तभी दिल्ली का जीरो एमपी जीरो एमएलए जीरो, के हमार अध्यक्ष बनना किसी पार्टी का अलग बात है। दिल्ली में सरकार, जनता ने चुना है, दिल्ली में उनकी सरकार है, वो क्या है, एमपी जीत कर आए, वो क्या है, वो क्या है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, होता है जब सुपड़ा साफ होता है तो ऐसे ही होता है। आज मैं ये कहना चाहूंगा
कि माननीय साथियों से जो आज का जो विषय था उस पर एक अरब भी इनके पास बताने के लिए नहीं था। चलिए पूछते हैं अभी शर्मा जी, जी अकाली और भाजपा साथ साथ चुनाव लड़ते हैं, वही मसला फिर आपके साथ भी है। अकाली भी कहते हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे, हम पे तो पानी है ही नहीं। देखिए यहाँ पर चुनाव मिलकर लड़ेंगे। अकाली दल ने हरियाणा में ये कहा है कि हम हरियाणा के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। मतलब और वोट की भी आप वोट इसको दीजिए भारतीय जनता पार्टी का। जो आपका टॉपिक है मैं सबको ध्यान से सुन रहा था कि आम आदमी पार्टी का और जेजेपी पार्टी का गठबंधन हुआ। आपका भी है, आपका भी है थोड़ा। आम आदमी पार्टी आपका मतलब ये हमारा तो उन्होंने हमने हमारे बारे में तो ये कहा है कि हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। हमारा गठबंधन की बात नहीं है, सपोर्ट करेंगे। और वो नेचुरली हम इतने साल से पंजाब में हमारे साथी हैं, ठीक है। इनका गठबंधन हुआ है। मैं ये कहता हूं कि मैथमेटिक्स का फार्मूला है, 0+0 तो 0 ही होता है वो। अच्छा, जो अरविंद केजरीवाल जब जेएनयू में भारत के टुकड़े टुकड़े होने के नारे लगते हैं उनके साथ जाके खड़ा होता है, अपने आप को दम भरने वाले चौधरी देवीलाल के पोत्र उनके साथ जाके गठबंधन करते हैं। आम आदमी पार्टी दरवाजे पे बैठी है, देशद्रोही मुकदमा। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप भी मेरी बात सुनो। जब मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा पंजाब में आकर के हम बूंद नहीं देंगे। आप कहते हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण है हरियाणा के किसान करते हैं। क्या आप ऐसे लोगों से समर्थन लेंगे जो ये कहते हैं कि एक बूंद हरियाणा को पानी नहीं देंगे? अकाली दल ये कहता है, ठोक बजाकर कहता है, जोरदारी से कहता है। आप कहेंगे कि भाई नहीं चाहिए हमें आपका समर्थन, हमें हमारा पानी चाहिए। क्यों सर बात कही, ये क्यों नहीं कहते? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, हमारी सरकार बिल्कुल उसको नहीं मानते वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, और हम उसको लागू करेंगे। आज तक हमने नहीं हुआ है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने या किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने कभी ऐसी कोई बयान दिया हो कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं। हम ये कहते हैं कि पंजाब में आपकी सरकार रही है, पंजाब में आपके भी नेता रहे हैं। हमारी पार्टी के जो हाल कांग्रेस का वो हमारी पार्टी की सोच है कि नदियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू भी किया था। हम उसको दोबारा से उसको इंप्लीमेंटेशन करेंगे और नदियों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे। ये सारी समस्या गठबंधन पर क्या कहेंगे आप? देखिए एक लाइन में, गठबंधन हमारा अकाली दल के साथ हमारे स्वाभाविक साथी हैं। पहले वो इनेलो के साथ जाया करते थे, पर अब जब इनके क्योंकि परिवार ही अलग अलग हो गया तो उनको लगा कि नहीं, बीजेपी हमारी पुरानी सहयोगी है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। ये लोग दिल नहीं मिलते इनके, अच्छा, लेकिन ये कहते हैं कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए कुछ भी करेंगे। आपने अन्ना हजारे का सारा लेकर के कांग्रेस, ठीक है सर, सारे तो पता नहीं किस किस को, और आज आप ये कहते हैं कि हमें कांग्रेस का अन्ना हजारे का सारा तो किस किस को मिल गया। दाशिर भाई, ये जो नवीन जयहिंद है ये खुद टीवी पे स्वीकार कर चुका है कुछ दिन पहले कि जब तक कांग्रेस, जजपा और आप तीनों नहीं मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी 10-10 सीटें जीतेगी। ये स्वीकार कर चुके हैं खुद अपनी बात। भाटीवाल जी, फिर आप कहां रह गए? LSP और BSP कहां पर है इस गठबंधन में? अब एक और गठबंधन आ गया। नासिर भाई, ये जो गठबंधन की राजनीति मजबूरी होती है या जरूरत होती है? स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं ये जो है, और जो ऐसा है गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं, स्वार्थ की राजनीति। सुनिए मैं जो बता, ये गठबंधन वो गठबंधन है जैसे बेमेल गठबंधन हुआ था बसपा का, और आपकी भी कोशिश चल रही थी बसपा का और इनेलो का हुआ था, वो बेमेल था। अच्छा। और आपने उसका रिजल्ट देख लिया कि 3400 वोट दोनों मिलकर के भी जो है मतलब ले गए 3400, ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं हुआ। यानी इनेलो और बसपा का जो कमजोर पार्टी थी, नहीं बेमेल गठबंधन था ये। अच्छा। जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यानी इनेलो का और बसपा का हरियाणा में आपके मुताबिक कोई जनाधार नहीं है, बिल्कुल पीछे है। बेमेल था इसलिए नहीं था उनका। अच्छा, ठीक उसी तरह से दोनों ने मिलकर 3400 वोट लिए, बहुत ले लिए ना, बहुत ले लिए, जनता ने नहीं दिए, बहुत ले लिए ना 3400, बहुत मानते हो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक उसी तरह से जो है आपका और जो है जेजेपी का गठबंधन है, दोनों की विचारधारा नहीं मिलती है, स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। कल तक तो ये आप वाले कह रहे थे कि भाई हम तीनों मिलकर के जो है बीजेपी को हरा सकते हैं, नहीं तो 10-10 सीट जीतेंगे। अच्छा, आपसे आपकी विचारधारा मिलती है? बिल्कुल, हम तो दोनों बसपा और LSP दोनों की जो है दोनों पीड़ित है, आम आदमी पार्टी से हमारी कोशिशें भी हो रही थी। मैंने भी आपकी नेता से बात की, उन्होंने कहा कि हाँ हम बातचीत चल रही है, आपसे हमारी विचारधारा मिलती है, हमारी मिलती है आपसे, हमारी इनेलो से नहीं मिलती, हमारी जेजेपी से नहीं मिलती विचारधारा, क्योंकि ये जो है हरियाणा को जलाने वाले हैं, ठीक, और दादागिरी दिखाने वाले हैं, और हम दादागिरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।
हम जो 35 बिरादरी का नारा आपका था वो। नहीं, हमने 35 बिरादरी का कभी नहीं लगाया। अगर एक भी बाइट दिखा दे तो आज ही राजकुमार सैनी रिजाइन कर देंगे जो है, मतलब बात पे कायम रहिएगा। एक भी बाइट राजकुमार सैनी रिजाइन कर देंगे क्या? बात अपनी बात नहीं कि मैं रिजाइन कर दूंगा नहीं। अरे हमारे नेता सुप्रीमो सिंह, मैं गारंटी। एक भी ये भी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि एक पार्टी के प्रवक्ता अपने नेता की जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये आपकी पार्टी बयान करेंगे तारीफ के लायक है। बात सुनिए, उन्होंने कभी ये बात नहीं की जाट, जो उन्होंने ये कहा कि जाट हमारी पार्टी में आस्था रखे, जाट हमें नेता माने तो हम जाटों को भी टिकट दे देंगे, पर वो हमारे कोई वर्कर है, वर्कर को देंगे। दिखाई है ना आप, देखा एक आते कोई आए तो सही, आए नहीं रहे आपके सीट। अरे इस लायक तो बने मेरी बात, जाट इस लायक नहीं कि आप टिकट हासिल कर सके। अरे मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कोई जाट जो है हमारे वर्कर है, सरसा के अंदर जाट ने राजकुमार सैनी को टिकट देंगे ना आप जाट दी थी। अरे वो सीट निकालने वाला कोई जाट हमारे पास आएगा तो हम जरूर उसको टिकट देंगे। ये जो अरे नासिर भाई मेरी बात सुनिए, कितना 10 सेकंड, जो जो लोग जो है ये कहते हैं कि जूता बाटा का लोहा टाटा का छोरा जाटा का उसको जनता वोट देगी क्या? अरे हरियाणा जनता पता नहीं किसको वोट देती है सर, जनता का पता नहीं चलता आज के टाइम में। ये कहते हैं पहले आता हूं माटी वाली जादौन साहब, सर ये जो राजनीति के अंदर गठबंधन की कोशिशें हो रही है लगातार हर जगह पर हम देख रहे हैं, जो सवाल मुझे आपसे करना चाहिए था कि गठबंधन की जो सियासत है वो जरूरत हो जाती है अच्छी रहती है या मजबूरी होती है या विचारों की वजह से गठबंधन हो जाते हैं या बेमेल गठबंधन कई बार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं? आम आदमी पार्टी और जेजेपी के गठबंधन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अभी अब पर्टिकुलर एक गठबंधन को लेकर क्या बात करें, लेकिन एक लंबे समय से ये दौर चल पड़ा है कि विचारधारा से हटके भी गठबंधन हो रहे हैं और इसकी शुरुआत जो है मैं तो 1977 से ही देखता हूँ। अच्छा, तब जो है विचारधारा से विपरीत दलों ने भी गठबंधन किया था क्योंकि कांग्रेस की जो मनमानी थी और आपातकाल था उससे लड़ने के लिए। फिर तब से ये ट्रेंड चला है, फिर क्षेत्रीय दल पैदा हो गए और राष्ट्रीय दल कई क्षेत्रों में वो हाशिए पर आ गए। और फिर यूपी का एक बड़ी मिसाल हमारे सामने हाँ, वो राष्ट्रीय दल कई क्षेत्रों में कई पॉकेट्स में देश के कई हिस्सों में वो हाशिए पर आ गए। हाशिए पर आ गए तो फिर राष्ट्रीय दलों की मजबूरी हो गई कि उनको अगर पावर में और बहुमत मेजोरिटी जो संख्या बल का बहुत सारा गणित है, अब उसमें उसको नापाक कहें या पाक कहें ये तो कुछ भी देखते रहिए, सब प्रतिद्वंदी दल एक दूसरे की व्याख्या करते रहते हैं। उससे तो हम लोग बच के ही बात करते हैं कि भाई सैद्धांतिक उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि ये है कि संख्या बल पूरा करने के लिए जब वो 77 से चला जो ट्रेंड वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो यही जो है हरियाणा में संख्या बल बढ़ाने के लिए अपने आप को ताकतवर एक दूसरे को की जो है सहायता से जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और किसी तरह से अपना जो सियासी एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन किए जा रहे हैं। हरियाणा में जो अभी ताजा आज जो गठबंधन हुआ है ये भी उसी की एक मिसाल है। प्रभावशाली होगा हरियाणा, ये उसी की एक मिसाल है प्रभावशाली। तो देखिए कि जींद में जो है आप और जजपा दोनों मिलकर ही लड़े थे, तब भी बीजेपी ने मात दे दी और मुझे लगता है कि इस भय ने जो है और जल्दी गठबंधन करने के लिए मजबूर किया। क्या आप है मजबूत हरियाणा के अंदर? नहीं, कुछ ना कुछ तो है ही। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी अगर इतने समय से काम कर रही है तो वो शून्य पर ही रहेगी। हालांकि वो विकास का मॉडल लेके जिस तरह से जिस कॉन्फिडेंस के साथ अरविंद केजरीवाल जी आए थे और उन्होंने कार्यक्रम किए और सभाएं की और वो जो है तमाम जो है उन्होंने रैलियां कर डाली, तो उससे फिर वो जो मॉडल उनको लगा के कुछ कारगर नहीं हो पा रहा है कि जिस तरह से हमें जो है व्यापकता मिलनी चाहिए हरियाणा में, तो लग रहा है उनको कि 2-3 सीट मिलेंगी जी, कि मिल रही है लड़ने के लिए, लड़ने का अवसर तो मिल ही रहा है। आनंद शर्मा जी आप हैं मेरे साथ? जी सर। जी आनंद जी सर? हाँ जी सर। जी सर, गठबंधन हो चुका है आम आदमी पार्टी का, आपने इसको बेमेल बताया, नापाक शायद नापाक भी कहा था आपने, स्वार्थी कहा था तो क्यों लगता है सियासत में तो सर सब कुछ हो जाता है जब हरा और केसरिया रंग मिल सकता है सियासत में, जब एक दूसरे को भर भर कर अपशब्द कहे जा सकते हैं, तो इसमें स्वार्थीपन आपको क्यों नजर आता है? सर मैं मुझे इसमें 2-3 बातें रखनी होगी आपके सामने। मेरे से पूर्व जो प्रवक्ता थे, सबसे पहले मैं दमदमा जी का जिक्र करता हूँ, उन्होंने कहा कि हमारी समान विचारधारा का गठबंधन है। ये समान विचारधारा कहाँ से होगी? केजरीवाल जी तो हरियाणा के हित की बात नहीं कर रहे थे और वो दमदमा जी कह रहे कि समान विचार। देखिए सर, अगर SYL को लेकर कोई राजनीतिक, देखिए मेरी एक बात सुन लीजिए, अगर SYL को लेकर कोई राजनीतिक पार्टी जो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है वो अपने आप को बहुत ज्यादा ईमानदार बताती है तो प्लीज मत बताए, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी
एलएसपी तो खैर अभी इनका तो पंजाब में नहीं है और जेजेपी सर आपकी नहीं, बीजेपी कांग्रेस की वहां पर सरकार है, उनकी पार्टियों के नेता हैं, आपके अकालियों के साथ अच्छे रिश्ते रहे ठीक है ना, और आम आदमी पार्टी तो एसवाईएल को भूल जाइए, अब दूसरी बातों पर आइए। दूसरी बात तो मैं आ रहा हूँ सर, केजरीवाल जी को दिल्ली में जो धनाधार था वो लगभग खत्म हो चुका है। अच्छा। उन्होंने पहले कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ाने की कोशिश की, सरेआम सबने मीडिया पे देखा कि किस तरह से उन्होंने बार 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 कहा है, जब वहां उनकी बात नहीं बनी अब उनमें कमियां निकाल के आ रहे हैं, तो हरियाणा में कहीं ना कहीं कान फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हरियाणा में पहले इनकी हालत खराब है, तो ये गठबंधन कैसे गठबंधन समान विचारधारा का हो जाएगा, ये तो मजबूरी का गठबंधन है। अच्छा, इससे इनको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो 10 सीटें जीतने की दावा कर रहे हैं, मिलने का है ही कहां, इनके पास कुछ भी नहीं इनके पास। अच्छा, मिलने का होता तो अपने दम पे इलेक्शन लड़ते हैं, अगर इनके पास कुछ होता, कुछ मिलने का चांस होता तो। अच्छा सर, आपको जीएसपी वाले छोड़कर क्यों चले गए एनएलओ को? नहीं, वो तो वो ही बताएंगे, आपका भी तो बड़ा ही पवित्र और मेल वाला गठबंधन था, हमने अपने गठबंधन में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, उन्होंने आपको धोखा दिया बीएसपी ने, नासिर भाई उनकी क्या मजबूरियां रही है, कहीं ना कहीं यहाँ के प्रदेश प्रभारी उनकी कहीं ना कोई अंदरूनी मजबूरियां रही होंगी, मजबूरियां थी या धोखा दिया आपको बीएसपी ने, ये तो सभी हरियाणा के लोग देख रहे हैं, उन्होंने धोखा दिया है। ठीक है सर, ये जो राखी बांध कर पवित्र बंधन उसका क्या हुआ? मैं आता हूं, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, इसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कि राखी बांधकर गठबंधन होते हैं, पवित्र गठबंधन होते हैं, पहले हजकौर और बीजेपी का बड़ा पवित्र गठबंधन था, ये गठबंधन बड़े चुनाव के दौरान टूट जाते हैं, अभी हो रहा है, फिर लोकसभा के बाद हो सकता है, फिर कुछ और फिर कमियां नजर आ जाएंगी, फिर कोई किसी को धोखा देगा। बार बार मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि जो पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, गांव में रहते हैं, देखिए आपस में मत लड़िए पार्टियों के चक्कर में, ये कब किसके साथ गठबंधन कर लें आप परेशान हो जाएंगे, जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गठबंधन की सियासत के आगे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बेमेल गठबंधन होते हैं किसी की नजर में दूसरी पार्टियों के लिए, तो किसी के लिए वो पाक साफ पवित्र गठबंधन होते हैं, रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी और जेजेपी का गठबंधन हो चुका है और अब इसको वो आम जन कह रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी का आम उन्होंने निकाल लिया और जननायक जनता पार्टी से जन उन्होंने निकाल लिया और ये आम जन बन चुका है। अब ये आम जन कितना कमाल करेगा हरियाणा में, वो तो ये कह रहे हैं कि हम 10 सीटों पर कमाल करेंगे, इतिहास रचेंगे, चमत्कार करेंगे, कांग्रेस बीजेपी पीछे रह जाएंगी, और बीजेपी को हराना है क्योंकि देश को बचाना है, लोकतंत्र का बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा कह रहे हैं सब लोग आपने बीजेपी वालों। देखिए नासिर, क्या कर दिया सर, क्यों लगता है लोगों को कि लोकतंत्र खतरे में? अब 18वीं शताब्दी नहीं है, 21वीं शताब्दी है। हाँ। हर कोई फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया से जुड़ा है, वैसे टीवी चैनलों के माध्यम से जुड़ा है, सारी दुनिया जानती है कि कौन राष्ट्र विरोधी और कौन नहीं, पता है क्या हो रहा है, जितने भी गठबंधन नहीं हो रहे हैं सर, मैं बताता हूं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी से देश को बचाना, मैं बताता हूं आपको, पहले मैं जेजेपी की बात कर लूं, जो अपने आप को बहुत बड़ा आम जन और पता नहीं क्या क्या शब्द कहते हैं, ये जो चप्पल का निशान मिला है इनको, ये चप्पल यदि बाय चांस इनको कहीं से छोटी सी पावर मिल गई, ये चप्पल जनता के सिर पे पड़ेगी। दूसरी बात मैं कहता हूं, जिस पार्टी का सुप्रीमो कौन है, अजय सिंह चौटाला, वो अंदर है और न केवल लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको गलती मान लिया कि इसे दोषी है, और दोषी भी किस बात का, युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया कि जो योग्य थे उनको लगाने के बजाय अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर लिया, और इनका मतलब इतना बड़ा एक जो सुप्रीमो इतने बड़े केस में के युवाओं के रोजगार छीन लिया आपने, युवाओं के साथ भेदभाव किया आपने, और आप कहते हो कि हम तो आमजन है, कैसी बातें करते हैं ये लोग, सारे आम गुंडागर्दी करते हैं, चाहे यूनिवर्सिटियों की बात हो, चाहे कॉलेजों की बात हो, इनका कार्यकर्ता गुंडा कहा जाता है वहां पर, और ये एक पार्ट है इनके, और आम आदमी पार्टी सरेआम देशद्रोह की बात करती है, केजरीवाल ने कहा था कि कश्मीर को तो आजाद कर देना चाहिए। हाँ। तो कैसी बातें ये लोग करते हैं, और आप कश्मीर में आजाद जो कश्मीर को कहते हैं, जो आतंकवादियों को शहीद कहते हैं, उनके साथ सरकार बना लेते हैं। हमने सरकार मिनिमम प्रोग्राम पे बनाई थी और उसमें ये करे तो सब कुछ ठीक, और करे तो यदि हमें कोई दिक्कत आई तो हमने उसकी सरकार को गिरा दिया, और हमने मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार बनाई, उसमें हमने विकास करवाया और उसके हिसाब से हम चलते हैं, और जब हमें ये लगता है कि ये दुर्भाग्य से हमारे छोटे भाई बीजेपी के प्रवक्ता बनकर दुर्भाग्य, मैं बताऊं, हमें लगता है ना कि हमारे बड़े भाई कांग्रेस में, भारतीय कांग्रेस पार्टी सरेआम ये कहती है कि आंदोलन भारतीय खत्म कर देंगे, उसके भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से हिंदुस्तान की जनता की आंखों में धूल झोंकने में पिछली बार चुनाव में सफल हुई और अब उसको जनता नकार चुकी है, और ये जो देशभक्ति की बात करते हैं। अच्छा, प्रधान जी एक सवाल मेरा भी है, आप लोग
वाकई में डर रहे हैं बीजेपी से कि कहीं ऐसा न हो कि एक बार और आ गए तो सबकी सियासत खत्म हो जाएगी, या आप लोग ये झूठ फैला रहे हैं कि लोकतंत्र करने में, या वाकई मैं झूठ फैला रहा हूं या ये तेज नौकरियों का क्या होया, किसान का 50% मूल्यवृद्धि का क्या होया, विदेशों से कहां धन लिया था 15-15 लाख रुपए खाते में डालने थे, इन्होंने मासूमों को भी ठग लिया। और जो लोग देशभक्ति की बात करते हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा, जिसने पीडीपी से समझौता कर लिया और 10,000 पत्थरबाजों को इसलिए माफ कर दिया कि ये बच्चे हैं, आज देश के वो बच्चे नहीं जिनके साथ इन्होंने कुठारघात किया कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो करनाल में, करनाल भी आप दोगला चेहरा देखिए, जब पीडीपी से इनका समझौता होता है तो ये सत्ता की पिंग बताते हैं। और 11-11 लाख रुपए आतंकवादी परिवारों को इन्होंने दिए, किसने दिए, बीजेपी के समझौते वाली सरकार ने। कहा जा रही थी इनकी देशभक्ति, क्यों ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, क्योंकि सत्ता की रेवड़ियां मीठी लग रही थी भारतीय जनता पार्टी का, और इनकी कथनी और कृत्य करनी में अंतर है, और चाल और चरित्र चेहरा हिंदुस्तान की जनता भाप चुकी है, और अब ये जाते जाते जो मर्जी पार पीटिया कर ले जा रहे हैं निश्चित तौर पर। मैं अच्छा एक 10 सेकंड फिर मैं आता हूं उनका जवाब। देखिए मैं सत्ता की रेवड़ियां अच्छी लगी, सब कुछ निकाल लिया, रस निकाल लिया, लास्ट में फिर जनता को दिखाने के लिए पीडीपी से संबंध तोड़ लिया आपके चैनल के माध्यम से, पार्टी का आधिकारिक रूप से प्रवक्ता होने के अच्छा आप एक मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि हम मैं आप कह रहा हूं कि हम धारा 370 भी खत्म करेंगे, बीजेपी का और 35A भी खत्म करेंगे, बीजेपी का एक मिनट, बीजेपी का और पीडीपी का गठबंधन क्या था, एक मिनट भगवत शर्मा जी, आपका एक मिनट प्रधान जी, नरेश प्रधान जी, भगवत शर्मा जी, पीडीपी का और बीजेपी का गठबंधन क्या था, स्वार्थ का था, नापाक था, बेमेल था, या बहुत पवित्र था, क्या था ये? नासिर भाई, उस समय जो गठबंधन हुआ वो जम्मू कश्मीर को चुनाव में ना धकेला जाए, सत्ता के लालच में, चुनाव में ना धकेला जाए, हमने जो प्रोग्राम बनाया सच को अच्छे काम किए, हमारे लिए हमने सरकार भी लंबा सफर स्वीकार करो, एक बार कर लियो आप सही कही भाई, क्या हुआ बिरोड़ा से गलती हुई, आप क्या बुराई है सत्ता के लाले, देखिए क्या बुराई है, बात समझ में आ रही है, सुनिए हमने 6 साल सत्ता नहीं चलाई, जिस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय मुद्दों से हमारे को दिक्कत हुई हमने सरकार गिरा दी, 4 साल सरकार चलाने के बाद सर, नहीं नहीं 4 साल सरकार चलाने के बाद बासिर भाई एक मिनट सर सुन लीजिए, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की तड़ी पार हो, एक गुंडा आदमी हो, नहीं सर ऐसे, वो, ऐसे नहीं ऐसे, अभी ऐसे, अभी ऐसे, अभी 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 हमारे ऊपर यही शब्द थे, मैं वापस दे रहा हूँ, मैं वही शब्द, राहुल गांधी पे वही शब्द वापस दे रहा हूँ, मैं वही, अरे अपनी बारी में क्या होता है, मैं चुप करके सुन रहा हूँ आपकी, आपकी सुनी ना, आप क्यों नहीं सुनते, आप क्यों नहीं सुनते, और जेल में सेफ हूं मैं, बंगारू हमारे जैसे, बंगारू लक्ष्मण जैसे पैसे लेने वाले, टिकटें देने वाले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, छोड़िए आप छोड़िए, आज इनके मोहम्मद हमारा नेता किसी को प्रकोप से, मोहम्मद मकबूल बार जो बारामूला से खड़े हैं आज भारतीय जनता पार्टी, अरे सुनिए जनाब, मादा रखिए सुनने का, कहने का थोड़ी रखना होता है, अरे वो जिनके मोहम्मद मकबूल वार है बारामूला से खड़े हैं, अरे दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, कि दो दो घोषणा पत्र लेके आते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर बंटवाते हैं घोषणा पत्र जिसमें कहते हैं कि 370 और 35 से खत्म नहीं करेंगे, और राज्यों से वोट लेने के लिए ये चलाया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर हमने राष्ट्रीय स्तर पे लिखा है कि 370 खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर यदि हमारी राज्यसभा में अभी भी निकाल के अपने कैंडिडेट को पार्टी से निकाल के राज्यसभा, अगर वो आपकी बोली नहीं बोलता की वजह से रह गए हम, इसी बार खत्म होते आप, और इस बार यदि सुनिए जनाब, उसे पार्टी से ऐसा, नासिर भाई ये समय लेते हैं बीच आप में बोली, ये हेल्दी चर्चा की बात नहीं, आप बात पूरी कीजिए, या तो उसे जो कैंडिडेट है बारामूला से, या तो उसे पार्टी से निकालिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कही है जो देश को अलग करने की बात कहते हैं, लेकिन सर सुनिए अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए, आप अपनी बारी में बोलिए, अरे अपनी बारी में बोलिए जनाब, आप उसको सस्पेंड करिए। दूसरा है 370 पे बात करते हैं, आपके पास प्रचंड बहुमत था, आप कितने कदम चले राज्यसभा में, सुनिए भाई साहब, अरे राज्यसभा में, अरे सर सर अरे सर एक मिनट, अगर ये मुझे करने दें बात, आप अपनी बात पूरी सुन ली, नहीं सुनते नहीं, आदत नहीं है ना सुनने की, देखिए आप 370 पर लोग पूछेंगे, आपने सवाल पूछेंगे तो सर को खत्म करेंगे, सर 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 पेशन होने की, अब जल्दी से 370 पे कहा, ये राज्यसभा में पहले पहुंच जाते हैं, ये लोकसभा में लेकर आए हैं,
एक मिनट सर, हाँ। ना ये लोकसभा में लेकर आए ना कहीं आधे राज्यों में लेकर गए। जब महबूबा मुफ्ती से सरकार बनी है वो समझौते के तहत बनी थी कि हम 370 पे प्रस्ताव भी लाएंगे, या महबूबा मुफ्ती की सरकार में आप उस विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लेकर गए हैं 370? ठीक है दमदमा जी, जो काम पार्टी नहीं करती आता हूँ। देखिए भाजपा का जो चरित्र है वो उन्हीं के ऊपर उंगलियां उठाने के लिए मजबूर कर देता है। ये कांग्रेस ने जब बोला कि हम अफसपा है जो हम हटा देंगे, तो भाजपा ने बड़ी चिल्लाई है इनके प्रवक्ता, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर 3 जिलों में ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। अब कांग्रेस को तो बोल रहे हैं कि ये देशद्रोही है, आतंकवाद का साथ देने वाले, क्या आप ऐसी सरकार को चुनेंगे? लेकिन जो उन्होंने कर दिया है वो उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। इनकी सरकार के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में कितना भेद पैदा कर दिया गया है, जगह जगह 5 साल में हिंदू कितना भी टीवी में वीडियो वायरल होते हैं वो असली के हैं, नकली के हैं, वो भी असली के हैं। मंदिर को लेकर लोगों को लड़वा के रखा हुआ है आपस के अंदर की मंदिर बनाएंगे। आजकल रो मीडिया सोशल मीडिया नॉर्थ ईस्ट में एक मुसलमान पीट दिया कि ये हालात पैदा किए लोगों ने, देश खतरे में है भाजपा की वजह से है। पहले उसको भड़काती आरएसएस के लोग उसमें घुसपैठ कर देते हैं और पूरी आंध्र प्रदेश को जलवा दिया जाता है। और फिर जो तो आपकी पार्टियों के नाम दिया नहीं जी, हमारी पार्टी विपक्ष में थी, पूरी पार्टी की जिम्मेवारी है ये सारा, कोई भी सारा हरियाणा जानता है और जहां जहां प्रदेश जलाया। और सुनिए, उन मासूमों को जेल में डाल दिया, देशद्रोही की धारा लगा दी और उनकी उम्र कैद होगी, वो कब निकलेंगे वो बच्चे? प्रधान जी एक मिनट, एक मिनट की हिंदुस्तान भगवत दयाल शर्मा जी, डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए। आपकी पार्टी के नेता हर जगह ये कहते हैं, सर 5 साल में राम मंदिर बनाने का वादा किया था आपने, नहीं बना। आपने 370 हटाने का वादा किया था, नहीं हटा। आपने बीमिल वहां पर गठबंधन कर लिया। आपने 35A की बात की थी, वो वहीं के वहीं रही। आपने पता नहीं क्या क्या नौकरियों की बात की, 15 लाख की, वो 15 लाख में मैं उसको नहीं मानता। जनता भी इंतजार कर रही है, मैं जब भी जाता हूँ लोगों के बीच में वो कहते हैं 15 लाख नहीं आए। मैं उनसे कहता हूँ 15 लाख जुमला था, उसको छोड़ दीजिए। मतलब आपसे सवाल नहीं करेगा कोई, सवाल नहीं करेगा आपसे। आज का टॉपिक आम आदमी और ये है, लेकिन आप हमारे गठबंधनों की हम बात कर रहे हैं, उसका उत्तर देता हूं। आप लोग कहते हैं जी 15 लाख रुपए हमने वादा किया था, हमने ये कहा कि यदि यदि विदेश से सारे का सारा काला धन वापिस आ जाए तो हर नागरिक के खाते में 15 लाख आएंगे मुफ्त। आज भी हम इस बात को मानते हैं और उसके लिए वो एक दिन भी जाते हैं, उसके लिए संधियां होती है। आप कितनी बार सरकार चाहते हैं जो सारे वादे पूरे कर। दूसरी बात यह है कि जो नौकरियों की बात है, नौकरी का मतलब ये नहीं होता कि केवल आप सरकारी नौकरी, आपका रोजगार, आप रोजगार हमारे देश में कितना रोजगार बढ़ा है और कितना वो मतलब वो आया है। और जो लोग भारत के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी उसको मासूम बताती है, तो इससे सर्वसार कोई बात हो नहीं सकती। और दूसरी बात, हमने 11 लाख रुपए हमने वो तो मासूम है। पाटीवाल जी नहीं, मुझे मालूम आप नहीं बोले, सेना को खड़ी है छोड़ सर, सेना की बात मत लाइए बीच में। मंदिर की बात करेंगे, मंदिर बना भी करेंगे। पाटीवाल जी, पाटीवाल जी, ऐसा है नासिर जी, इस देश के लिए बीजेपी को हम कह रहे हैं कि भाई ये नहीं किया वो नहीं किया, बीजेपी वायदे करती है, निभाती कोई नहीं है, अब सभी ने देख लिया है। ये जुमलेबाजी बाद में के नाम बात करते सुनिए, आज भी हमारे सुनिए और आप निकाल के नहीं, आपको गाली अरे सुनिए तो आप निकालते भी नहीं, आपको बुरा भला कहते हैं। वो दोज़ हु आर इलेक्टेड बाय पीपल, वो 5 साल के लिए अरे आपकी पार्टी में है अभी भी, उसको हम कैसे निकालें? ना तो हमारा मंत्री हो, हम मंत्री पद से इस्तीफा, क्या निष्कासित किया?
निष्कासित किया इन्होंने पार्टी से आपके ताकि पेंशन ना रुक जाए, ताकि वेतन ना रुक जाए। अरे सर क्या आपने निष्कासित किया, कोई कार्रवाई की आपने? एक कार्रवाई बता दीजिए कि हमने राजकुमार सैनी पर कार्रवाई की थी। राजकुमार सैनी ने 4 साल पहले ही आपने निष्कासित किया, पार्टी से निष्कासित किया, पार्टी से निष्कासित किया, पार्टी के पार्टी से निष्कासित कर सकते हैं ना? यदि हम उसको पार्टी से निकाल दिए, अरे तो निकाला क्यों नहीं सर? क्यों नहीं निकाला? पार्टी से तो निकालते कम से कम। भाटीवाल जी एक मिनट सर, उनको सुन लीजिए। देखो बीजेपी राजकुमार सैनी जी के ऊपर पूरा विषय रखिए, हम पूरी बात करेंगे। अभी मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी जो है कम से कम ये तो कहती है हम ये करेंगे वो करेंगे, धारा 370 खत्म करेंगे, 35 ए खत्म करेंगे, राम सेतु बनवाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे कब वो बात छोड़िए। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस ने जो है, इस कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दो मुहे सांप है। अच्छा। ये नागनाथ सांपनाथ दोनों के दोनों इस देश को तबाह जो किया ना, कश्मीर समस्या जो है आज इस कांग्रेस की है। कांग्रेस जिसने गलत काम किया उसके ऊपर मुकदमे जलाने वाले मेरी बात सुनिए। राजकुमार सैनी एक मिनट कहीं जा रही है, मैं लाऊंगा वापस वहीं पर। प्रधान जी एक मिनट, आप राजकुमार हरियाणा का, हरियाणा का बार बार कह रहे हैं एक बात कह रहा जी प्रधान, हरियाणा को जलाने वाले ये लोग हैं, कहीं पे आए कहीं पे नहीं गए। बीजेपी ने तो इन पर अनुशासन जादौन साहब एक मिनट भाटीवाल जी सुनिए एक मिनट, जादौन साहब कुछ कह रहे थे। जादौन साहब, ये जो पार्टियां हैं गठबंधन से पहले सारी कमियां नजर आती हैं, सारी ये सारे मतलब एक तरीके से डूबे हुए होते हैं, एक तरीके से मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता इसलिए रुक रहा हूं, कि मतलब भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। जब इनके गठबंधन आपस में हो जाते हैं सारी पार्टियों के, चाहे वो कश्मीर में किसी की सरकार रही हो, चाहे वो हरियाणा में बन जाए कोई साथ साथ, तो ये सही हो जाते हैं। ये लोग समझते हैं क्या इस सियासत को, या लोग समझ कर इस सियासत को ले समझ कर वोट डालेंगे? देखिए, लोग तो कुछ मजबूरी भी है कि लोगों के पास विकल्प क्या है, और सब दलों का आचरण लगभग एक जैसा ही हो चुका है। देखिए 77 में गठबंधन हुए, उस समय तो लोकतंत्र को बनाए रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन आज तो सिर्फ यही है कि किसी तरह से पावर हासिल करने की बात है। नहीं तो देखिए कि हम जो राष्ट्रीय दल हैं, जब वो अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं तो वो क्षेत्रीय दल की भूमिका में आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर सभी भी ये कह रहे हैं कि हम जो है पंजाब का एक बूंद हरियाणा को नहीं देंगे, और केजरीवाल जी ने फिर जरूर कहा, क्योंकि उनकी एक मजबूरी है कि हरियाणा से उनको दिल्ली के लिए पानी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी कि हम तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करेंगे, जो फैसला हुआ है उसकी पालना करेंगे। तो आखिर में क्या केजरीवाल जी अपनी पंजाब यूनिट को ठीक कर पा रहे हैं? अभी मैंने वो जो है उनके आम आदमी पार्टी के जो MLA हैं अमन अरोड़ा, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा जी कि सभी दल ऐसे ही कर रहे हैं तो हमें करने में क्या परेशानी है, कि किसी एक प्रदेश में कुछ और उसके एजेंडे के अनुसार बोलते हैं और दूसरे प्रदेश में जाते ही उसके एजेंडे के अनुसार बोलना शुरू कर देते हैं, मतलब कंट्राडिक्टरी बोलते हैं, तो कहां सिद्धांतों की बात करें? ऐसे ही 50 उदाहरण इसका मतलब यह है कि अगर कोई पार्टी ये कहती है कि हम सिद्धांतों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर गठबंधन कर रहे हैं, ये सरासर गलत बात है। सबके सब अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए गठबंधन, निश्चित तौर पर ये सियासी एजेंडा है और संख्या बल हासिल करना है, किसी तरह से जो है बहुमत हासिल करके पावर में जाने का प्रयास है, और ये एक पैटर्न चल पड़ा है, तो सभी इसी तरह से कर रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस के साथ ये प्रपोज कर रहे हैं। अब आप देखिए कि अन्ना हजारे का आंदोलन कांग्रेस के शासन के दौरान पैदा हुआ, इसके बाद इन्होंने जब पार्टी बनाई, उन्होंने देखा कि भाई इस आंदोलन मात्र से काम नहीं चलेगा, ये एक तरह का सोशल मूवमेंट है, तो इसको पॉलिटिकल उसमें स्ट्रीम में लाया जाए, तो उस समय तो कांग्रेस इनके टारगेट थी, आज ये कांग्रेस के साथ गठबंधन की भी बात कर रहे हैं।
तो क्या इन्होंने कांग्रेस को माफ कर दिया? अच्छा, तमाम उनके मुद्दे भी कांग्रेस के खिलाफ उठाए इन्होंने, तो क्या पहले तो इनको ये क्लियर करना चाहिए कि क्या इन्होंने कांग्रेस को माफ कर दिया सारे पाप, या उनके एक्सेप्ट कर लिए, या आप जो है गंगा का अवतार है कि आप कांग्रेस के सारे जो है गलतियां हैं उनको धोने का काम कर रहे हैं आप, तो आखिर में गठबंधन कैसे हो? अनिल शर्मा, आनंद शर्मा जी, आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? जी सर। अच्छा, आप भी हमारे साथ में थे आनंद शर्मा जी, लास्ट में बहुत कम टाइम मिला। आनंद शर्मा जी, ये बात सही है कि जो गठबंधन होते हैं राजनीतिक पार्टियों के, ये स्वार्थ के आधार पर होते हैं, ये अपने फायदे के लिए होते हैं? जी सर, बिल्कुल। हाँ सर, अधिकतर गठबंधन अगर देखा जाए तो स्वार्थ की राजनीति तो होते हैं ना। तो बीजेपी में, हरियाणा में कुछ किया, हरियाणा को चार बार जलाने का काम किया बीजेपी ने, जात आरक्षण में आंदोलन में इन्होंने नौजवान बच्चों पे देशद्रोह का केस लगा दिया, राम रहीम के मामले में इतने जाने गई, उसके बाद वो महाराष्ट्र था उसमें जानमाल की हाल हुई, ये हरियाणा को संभाल ही नहीं पाया। आप हरियाणा की जनता को ये एंश्योर करेंगे कि आपका किसी ऐसी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा? नहीं, अभी तक हमारी कोई पार्टी गठबंधन, हमारे 10 के 10 कैंडिडेट बिल्कुल तैयार है। 16 तारीख को कल को अगर हरा और केसरिया रंग मिलता है आनंद शर्मा जी, कल को अगर हरा और केसरिया रंग मिलता है तो ये स्वार्थ का गठबंधन होगा? नहीं सर, हमारा नासिर भाई कोई चांसी नहीं मिल रही है, बाहुबलियों का समर्थन नहीं है। बहुत संक्षेप में, मेरे पास वक्त नहीं है, 20 सेकंड में आप कह दिया, मुझे खत्म करना। बहुत जी प्रधान जी, हाँ आपका जेजेपी का गठबंधन है में सर, और आपका जो मुखिया है हाँ। वो पंजाब में चुनाव के अंदर कह रहा था कि पंजाब के पास पानी की कमी है और हरियाणा का एक बूंद पर पानी पर मत आइए प्रधान जी, पानी पर मत कीजिए बात, कांग्रेस भी मत कीजिए सर, आप सब और नापाक गठबंधन की आपकी सरकार है। अगर सामान्य विचारधारा है तो केजरीवाल की विचारधारा। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ, आप कहोगे पानी की बात ना करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी वहां के प्रभारी और कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब का पानी पंजाब वास्ते पढ़ा और रणदीप गठबंधन कब तक चलेगा? आप सहमत हो गए क्या? सिंह जी, गठबंधन कब तक चलेगा? जब तक विचार मिलते हैं गठबंधन रहता है, ये ईमानदारी की बात है, जब तक विचार मिलेंगे। भाटीवाल जी, हमारी सरकार देख लीजिए और दूसरी सरकार देख लीजिए, लोकसभा मिलेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा लोकसभा के इलेक्शन तक है ये गठबंधन। आपका बीएसपी का नहीं, हमारा नहीं, इन लोगों का। अच्छा, हमारा तो समान विचारधारा की जो है चलेगा जी। बहुत संक्षेप में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो जनता के साथ है और हमारी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी इनका हो चुका है। और देखिए, और दूसरी बात ये है कि आज जो ये गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी का और जसपा का, ये दो सवार दलों का गठबंधन है, ये बहुत जल्दी टूट जाएगा और ये जो है ना, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का चर्चा में जुड़ने के लिए। किसको कौन आखिरी सलाम करेगा, किसका गठबंधन कब तक चलेगा, अभी तक जितने भी गठबंधन हुए सब पाक पवित्र विचारों वाले गठबंधन है, बाकी इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि विचारों में कहां पर कमी आ गई, फिर कौन कब किसी को अपवित्र कह देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबर अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।